मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे के ग्राम गतोरा में रहने वाले थान सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया कि बीते दिनों गांव के ही कुछ दबंग युवकों ने घर में घुसकर उसकी मंदबुद्धि बीवी रीना के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। जब शिकायतकर्ता का पुत्र अजय कुमार मौके पर पहुंचा तो आरोपी अरविंद वहां से भाग निकला। इस बात की रिपोर्ट थाना मुंडा पांडे में की गई। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता द्वारा मुंडा पांडे पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक थाना मुंडा पांडे पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कार्रवाई न होने से परेशान होकर पीड़िता का पति शिकायत लेकर मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके शिकायत पत्र के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से सीओ ट्रैफिक को मामले की जांच सौंपी गई है। क्या नाम है आप? दीपाल सिंह। क्या घटना हुई? घटना 10 तारीख की है। अरविंद पुत्र घनश्याम दिन के 4 बजे उनके घर में घुस गया और बलात्कार किया है। इस घटना इस बात को लेकर हम थाने पहुँचे, डाले सवार के नंबर पर पुलिस आई थी तो इंस्पेक्टर ने कहा था कि हम 376 में मुकदमा लिखेंगे। जो आप 354 और 452 वगैरह धारा उसमें लिख देंगे। हमें धमकाया गया, जबरन हमसे दरखास्त ली गई और 7 दिन जो है हमें घुमाते रहे। अगर ऊपर अधिकारी जाओगे किसी को तो आपको हम और धाराओं बंद कर देंगे। और हम 7 दिन हमें घुमाते रहे। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी थी और फिर आरोपी को गिरफ्तारी हुई या नहीं? आरोपी गिरफ्तार हुआ, 7 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। कहाँ से छोड़ा गया? थाने से ही छोड़ा गया था। आज आप कहाँ आए? अभी पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़ दिया। आज आपने किससे शिकायत की है? SSP महोदय शिकायत करने के लिए आए हैं। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि CO हाईवे जो है वो इसकी जाँच करेंगे, ऑर्डर करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी जो FIR 376 में दर्ज हो और डॉक्टरी परीक्षण हो महिला।